अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फूड एंड स्टाइल मैगजीन की जानिब से आप सबको आबिद बशीर का प्यार भरा सलाम। आज जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग जो है फूड एंड स्टाइल मैगजीन जो है स्पेशल खसूसी तौर पे जो है लीजेंड स्टार नदीम साहब का निकाल रहे हैं, और इस हवाले से मुख्तलिफ़ शख्सियात जो हमारे शोबी से रिलेटेड हैं या जिन्होंने जो फैंस हैं नदीम साहब के और जो उनकी फिल्में देखी हुई हैं, तो उनसे जो है इंटरव्यूज ले रहे हैं। तो आज हम ऐसी ही एक शख्सियत के पास मौजूद हैं जो सुहेल मलिक भाई, और ये है माशाल्लाह रेडियो पाकिस्तान, जो एक नाम है रेडियो पाकिस्तान का, क्योंकि पहले जो है टीवी और रेडियो और फिल्मी होते थे, अब तो दूसरे सोशल मीडियाज़ आ गए, लेकिन पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है। और उसके आज हम सुहेल मलिक भाई से मिला है जो कि प्रोग्राम मैनेजर इंचार्ज है और 94 FM जो है ये इंचार्ज है। तो आज इनसे हम नदीम साहब के बारे में गुफ्तगू करेंगे, और मैं ये बात बता दूं आपको कि ये सुहेल मलिक साहब ने नदीम साहब की फिल्में देखी हैं और उनकी अदाकारी से उनकी फनकारी से इतने मुतासिर हैं कि उनकी फिल्में देख देख के जो है आज ये इस अहदे पर भी फाइज हो गए कि ये बड़े अहदा है इनका रेडियो पाकिस्तान के हवाले से प्रोग्राम मैनेजर का। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं कि ये नदीम साहब के हवाले से क्या बात करते हैं, क्या तासुरात देते हैं, क्या ख्याल का इजहार करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई, क्या हाल है? कैसे मिला जा अभी ना? जी जी, आज हम आपके ऑफिस में मौजूद हैं और निशानी लेके आए हैं कि आपसे कुछ बातचीत करें नदीम साहब के हवाले से। आपको जैसे कि मालूम है, हमने सोशल मीडिया पे भी इसकी जो है हम कवरेज कर रहे हैं कि भाई हम मैगजीन निकाल रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि ये मैगजीन हम निकाल रहे हैं नदीम साहब का, तो अच्छा है क्या है कुछ? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और खुर्रम जुनेद का शुक्रिया कि आप लोग मेरे दफ्तर आए, रेडियो पाकिस्तान तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। और मैं मुबारकबाद दूंगा सबसे पहले आपको कि आपका जो मैगज़ीन है, मैंने जितना भी उसको देखा है, तो वो मैगज़ीन एक ऑलराउंड किस्म का मैगज़ीन है। जितना भी आप एक आम आदमी को भी अगर आप वो मैगज़ीन दे देंगे, तो उसकी दिलचस्पी का कोई ना कोई मज़मून, कोई आर्टिकल उसमें डेफिनेटली मौजूद होता है। अगर हम मज़हब की बात करें, अगर हम एक आम आदमी की ज़िंदगी की बात करें, उसके मसाइल की बात करें, रिलीजियस की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, फूड की बात करें, तो ये तमाम का अहाता किया हुआ होता है आपका जो मैगज़ीन है, फूड एंड स्टाइल मैगज़ीन। तो इस हवाले से तो मैं आपकी पूरी टीम को जो जो इस मैगज़ीन से जुड़े हुए हैं उनका मुबारकबाद दूंगा। ख़ासतौर पर मैं इसलिए आपको मुबारकबाद दूंगा कि अभी मेरे में ये बात आई है, आपके तवसुत से भी आई है और लोगों से भी सुना है कि नदीम साहब की जो सालगिरह मनाई जा रही है उसमें फूड एंड स्टाइल का एक स्पेशल एडिशन आ रहा है। तो नदीम साहब के ऊपर अगर बात की जाए, तो नदीम साहब का तो काम ही इतना है कि आप रोज़ाना उनका एक नया पहलू देखें और उस नए पहलू पर बात करें। मेरे जैसा शख्स तो अपने आप को तिफिल मकतब समझता है। अगर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए या नदीम साहब की शख्सियत के मुतालिक बात की जाए, ये इवन पाकिस्तान के जितने भी लीजेंडरी अदाकार उन पर बात की जाए, लेकिन यकीनन ये जो नदीम साहब के चाहने वाले लाखों की तादाद में मौजूद है पाकिस्तान में जी, और बड़े जज्बाती किस्म के चाहने वाले हैं। आप भी मुझे अंदाज़ा है कि नदीम साहब को कितना चाहते हैं और मुहर्रम कितना चाहते हैं नदीम साहब को, तो ये तो उनसे मोहब्बत का एक इजहार है और उसमें आपने अपना हिस्सा डाला है, आपकी टीम ने अपना हिस्सा डाला है। मुझ समेत जितने भी नदीम साहब की ज़िंदगी के पहलुओं को देखना चाहते हैं, तो ये मैगज़ीन डेफिनेटली उसका, उनकी सारी शख्सियत का, उनकी जो किरदार निगारी है उनका, उनके साथ जो लोगों की एफिलिएशन और लोगों की जो एफिलिएशन उनके साथ है, उनका सबका अहाता करेगा। तो मुझे भी बाकी लोगों की तरह बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है कि मैगज़ीन आए और मार्केट में। अच्छा, ये तो आपने अपने तासुरात दिए, आपने फिल्में भी देखी इनकी। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि उनसे कभी मुलाकात भी हुई आपकी? जी, मेरी नदीम साहब से 2 मुलाकातें हैं, और मेरी खुशकिस्मती कि नदीम साहब के हाथों मुझे एक अवार्ड भी मिला और वो अवार्ड आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में मिला। नदीम साहब से मुलाकात भी हुई, बहुत ही पुरबहार शख्सियत नदीम साहब की, जितना बड़ा नाम अल्लाह ने जितनी इज्जत जितनी तकदीर उनको दी, उस हिसाब से नदीम साहब की जो शख्सियत है वो एक बड़ी मिलनसार और बहुत ही नरम तबीयत के मालिक है। अच्छा सुहेल भाई, आप ये बताएं कि बतौर हीरो आपको कैसे लगते हैं और क्या उसमें खूबी है नदीम साहब में? और नदीम साहब की अगर बात की जाए कि बतौर हीरो कैसे लगते हैं, तो मेरा ख्याल है वो हीरो ही लगते हैं ज़िंदगी की किसी भी उनको देख लिया जाए किरदार में, फिल्म के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो जहाँ भी उन्होंने किरदार किया तो वो हीरो ही लगे, चाहे वो एक देहाती का एक सादा सा किरदार हो उनका,
या चाहे वो हीरो का किरदार कर रहा हूँ, विलेन का किरदार कर रहा हूँ, तो वो तो ज़िंदगी के हर पहलू में मुझे हीरो ही लगते हैं। वो उनका चलना, उनका बैठना, उनका उठना, उनका देखना, उनका बातें करना, वो सारा का सारा मुकम्मल एक हीरो है। जो मैं कहता हूँ ना कि अल्लाह ताला की तरफ से वो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पर एक इनाम है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा ये बताएं कि कोई ऐसी मखसूस कोई ख़ास फिल्म आपको पसंद आई हो? जाहिर है कि तो हर फिल्म में किरदार निकाली। नदीम साहब की किस फिल्म से इनकार किया जा सकता है कि ये फिल्म पसंद नहीं है? लेकिन मैंने जो चंद फिल्में देखी हैं, चंद से मतलब ऑफकोर्स इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो मुझे उनकी फिल्म आईना लगती है, बहुत खूबसूरत फिल्म लगती है मुझे उनकी। और उसमें उनका जो किरदार है, किरदार मतलब मैं क्या बात करूँगा, बड़े बड़े लोग उनको कहते हैं कि जी नदीम साहब वन एंड ओनली पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री। हीरोइन भी बता दें आप किसी हवाले से? हीरोइन तो हमने हीरोइन की अगर आप बात करते हैं तो हीरोइन तो हम जब बचपन से अपने बड़ों को खासतौर पर पहले तो खवातीन के भी शोज चलते थे ना, खुसूसी शोज होते थे, तो जब भी वो नाम आता था तो जी नदीम शबनम की फिल्म देखने जा रहे हैं, ऐसा लगता है दो नाम नहीं है, ये एक ही नाम है, शबनम नदीम कह लें या नदीम शबनम कह लें, लेकिन उमूमन नदीम शबनम की फिल्म, नदीम शबनम की फिल्म। तो अपने बच्चों अपने बचपन के ज़माने से ही जो है ना, वो घर की खवातीन जब वो खासतौर पर खवातीन का शो देखने के लिए जाती थी तो उनके लबों पर यही नाम होता था कि जी नदीम शबनम की फिल्म देखने जा रहे हैं। तो नदीम शबनम का जो न सिर्फ जोड़ी अगर नाम की बात की जाए, लेकिन अगर उनको हीरो हीरोइन के तौर पर भी देखा जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये इनसे अच्छी जोड़ी जो है मुझे फिल्म इंडस्ट्री में नहीं लगती, या नदीम साहब के साथ जो हीरोइन सबसे ज़्यादा जचती है वो शबनम जी जचती है। अच्छा इसीलिए आज आप गाना भी बता दें, जाहिर है नदीम साहब का कोई गाना जो आपको अच्छा लगा हो वो। मुझे नदीम साहब अगर मुझसे तौर पर पूछते हैं तो हाँ जाती तौर पर पूछते हैं, मुझे नदीम साहब का जो भोलपन का जो एक किरदार करने का अंदाज़ है ना, एक देहाती का अंदाज़, एक सादा लोग किस्म का अंदाज़, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत मैं इंस्पायर होता हूँ उनके उस किरदार के हवाले से। फिल्मों में वो उस किरदार में अच्छे लगते हैं मुझे वो जो इस तरह का एक गाँव का मंजर है और नदीम साहब एक देहाती का रोल कर रहे हैं और एक भोले वाले इंसान का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। या फिर बहुत ज़्यादा फ्रेंक होते हैं इस तरह से, मुझे नदीम साहब का जो एक मतलब वो पहचान थी, नादान है, अनाड़ी है जी, सही मैंने अनाड़ी को भी रिसेंटली दोबारा देखी है, तो मुझे तो कमाल की उनकी जो किरदार मुझे दिल से पसंद है वो, कि वो एक सादा नादान भी आपने देखी जी अभी जो, तो ये मुझे नदीम साहब के जो खास तौर पर जो किरदार के अंदर स्पेशल अगर कोई मुझे अच्छा लगता है वो किरदार नदीम साहब का ही, भोलपन का और सादा देहाती का किरदार बहुत अच्छा। गाना भी पूछा है मैंने आपसे कि कोई गाना बताएं। गाना मुझे बहुत सारे गाने हैं, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है या अभी यूँ समझ लीजिए कि मेरे जो जहन में वो थोड़ी थोड़ी सी प्याज डालो, थोड़ा थोड़ा सा घी चमचे से इसको हिलाते जाओ जी, तो क्या बात है, इसका मतलब है आपको भूख लग रही है, खाना पकाने वाला गाना कर रहे हैं। चलिए अच्छा गाना है, बाकी बहुत बेहतरीन। बहुत शुक्रिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, सोहेल मलिक भाई, कि आपने हमारे फूड एंड स्टाइल के लिए नदीम साहब के स्पेशल मैगजीन के हवाले से अपने तासुरात ख्यालात का इजहार किया, और अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने अपनी पसंद बताई नदीम साहब के हवाले से, तो बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी शुक्रिया, और आपके चैनल का खासतौर पर शुक्रिया अदा करूँगा, और हम मेरे साथ मौजूद हैं, आप मेरे प्यारे भाई हैं, मेरे प्यारे दोस्त हैं, जब जब आते हैं अच्छा लगता है मुझे। आज मेरे लिए भी ऑनर की बात है कि आपने मैगजीन के लिए भी और खासतौर पर नदीम साहब के हवाले से गुफ्तगू की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं दुआ हूँ कि अल्लाह ताला आपके चैनल को और आपके मैगजीन को इसी तरह से तरक्की की राह पर गामजन रखे। आमीन सुब्हानअल्लाह।